हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। ये देखिए, ये पिटूनिया विंटर सीजन का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। अब ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये हमारे गार्डन को तो खूबसूरत बनाते ही हैं और देखने में कितने खूबसूरत प्लांट है। स्प्रिंग सीजन के बाद अब समर सीज़न आ रहा है, अब ये फ्लावर जो है हमको नहीं मिलेंगे, अब नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये कितने कलर में पिटूनिया आते हैं और कितने खूबसूरत फ्लावर होते हैं। ये जो हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब इनका सीज़न जा रहा है, अब इनके सीड पॉट बनेंगे, उसको सीड कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए अगर स्टोर कर लें तो हमको नेक्स्ट ईयर बहुत सारे फ्लावर मिल जाएंगे। ये देखिए, छोटी सी बॉटल में भी सदाबहार फ्लावरिंग कर रहा है। विंटर सीजन में तरह तरह के फ्लावर मिलते हैं जो हमारे गार्डन को खूबसूरत बना देते हैं। ये टमाटर में भी कितने फ्लावर आ रहे हैं, ये दोबारा से फ्लावर आ रहे हैं टमाटर में। टमाटर देखिए लग रहे हैं। मैरीगोल्ड, ये हाइब्रिड मैरीगोल्ड है और ये देसी तो परमानेंट हमारे गार्डन में मौजूद रहते हैं, अगर इनकी थोड़ा सा केयर किए तो ये पूरे साल चल जाते हैं। इसमें देखिए, मैंने कई प्लांट लगा करके रखा है, ये मैरीगोल्ड और विंका। रोज़ के फ्लावर खिल चुके हैं, ये देखिए दोबारा से नई नई शूट आ रही है। और ये देसी रोज़ तो बराबर ही खिलते रहते हैं, इसमें ये बट और ये इंग्लिश रोज़, इसमें देखिए दोबारा ये नई नई शूट आ रही है, ये बड भी आ गई। ये गुड़हल में भी नई नई लीफ आने लगी हैं, अभी देखिए इसमें ये बड भी आ गई। अब इसकी मैंने कटिंग और प्रूनिंग कर दिया था। किसी भी प्लांट की कटिंग करने से उसकी ग्रोथ और अच्छी होती है, उसमें नई नई शूट देखिए, नई नई यहाँ से नई नई लीफ निकलने लगती है और प्लांट जो है बहुत ही बुशी हो जाता है। और गुड़ाई और निराई भी बराबर करते रहना चाहिए। ये देखिए मेरा मटर का प्लांट, और ये देखिए इसमें आगे, इसमें बीच में मैंने अनियन, स्प्रिंग अनियन लगा दिया था, ये देखिए वो भी खूब अच्छी तरह से चल रहा है। ये एक पॉली बैग में, नीचे ये वेस्ट है, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी है और उसमें ये ने मटर और स्प्रिंग अनियन लगाया हुआ है। स्प्रिंग सीजन में सब में सीड पॉट बनने लगते हैं। ये देखिए, ये पालक में भी सीड पॉट है, अभी इनको भी मैं, ये सीड बन जाएंगे, इनको स्टोर कर लूँगी। ये डहलिया खिल चुके हैं दोबारा। दोबारा से फिर इसमें कली आ गई है, ये देखिए कितना खूबसूरत खिल रहा है। ये अप्रैल तक मुझे इसमें फ्लावर मिल जाएंगे डहलिया में। देखिए ये खिल चुका है, इसमें फिर से खिल रहा है, इसमें नई नई स्टेम निकल रही है।
देखिए इसका फ्लावर कितना बड़ा है, जो फ्लावर खिल चुके हैं उनको मैं कट कर दूंगी ताकि दो चार फ्लावर मुझे अप्रैल तक और मिल सके। ये मैरीगोल्ड देखिए दोबारा कितने अच्छे तरीके से खिल रहा है। इसके जो खिल चुके हैं उनको मैं तोड़ती रहती हूँ, ये और इसमें नई नई स्टेम और बड आ रही हैं। कितना घना ये हो गया है। ये धनिया, धनिया के फ्लावर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसमें ये धनिया भी बन गई है। ये देखिए, ये मेथी के भी सीड पॉट बन गए हैं। ये देखिए अभी ये मेथी भी नीचे ये है। ये लेटस में भी ये फ्लावर आ गए हैं, अब इसके भी सीड पॉट बनेंगे। ये धनिया का फ्लावर देखिए कितना अच्छा लगता है, और ये धनिया बन गई है। अच्छा फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।